देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया था। परसेंटेज का क्या डेफिनेशन होता है, परसेंटेज बहुत इजीली हम लोग कैसे निकालते हैं, 1% कैसे निकालते हैं, 100% क्या होता है, 105% क्या होता है, 41% क्या होता है, ये सब हम लोग देखे थे कि हम लोग कितना फास्ट इन सब चीजों को निकाल सकते हैं। इसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हम परसेंटेज चैप्टर को आगे बढ़ाएं, किसी भी स्टूडेंट को लास्ट क्लास में कोई डाउट है कि सर हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था उसमें हमें ये कंफ्यूजन है कि ये कैसे करते हैं? देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्लास के बाद मैसेज किया था कि सर क्लास मुझे समझ आया पूरी तरीके से, किसी ने मैसेज किया कि सर मुझे आधा आधा समझ आया, आप एक बार फिर से रिपीट करिएगा। बट कल परसों मेरे पास मैसेज आया कि सर हमने 2-3 बार रिकॉर्डिंग देखा और हमारा सारा डाउट क्लियर हो गया है। स्टिल अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे थोड़ा डाउट है तो आप बता सकते हैं, एल्स हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सॉरी ऐसा नॉइज आते रहेगा बीच में। चलिए एक बार हम लोग फटाफट क्विकली रिकैप कर लेते हैं उस चीजों को, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। हमने बताया था 100% का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। कोई भी सामान, कोई भी कंप्लीट सामान का मतलब क्या होता है, पूरा सामान, मतलब वो वन है। कोई भी सामान मतलब वो पूरा सामान मतलब वो वन है। तो 50% का मतलब क्या होता है, उस सामान का आधा, तो आधा कर देंगे मतलब 1/2। 25% का मतलब क्या होता है, तो 50% का आधा है तो हाफ का भी आधा, या 100% का 1/4 है तो 1 का भी 1/4, तो ये हो जाता है 1/4। इस तरीके से हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। तो हम लोग 1/2 1/4 देखे थे, फिर हम लोग ये देखे थे कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे कि इसका भी हाफ 6.25% का मतलब होता है 1/16। फिर यहां तक हम लोगों ने किया था। इसके बाद देखिए अब 100% से किसी भी पॉइंट पे हमें जाना है, किसी भी परसेंटेज पे जाना है, तो देखिए ना कि आप उसमें कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे 100% का मतलब पूरा है ना, आपको 20% निकालना है। 20% मतलब 100% को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पूरे को भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100% का मतलब अगर 1 है तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। और अगर 20% का मतलब 1/5 है तो बताइए 60% का मतलब क्या होगा, ये इसका 3 times है। 20% का 3 times 60% होता है, 3 बार 20% 20% 20% ऐड करिएगा तो 60% मिलेगा। अगर यहाँ पे हम एक ऐसा कोई सब्सटेंस ले ले, इसका 20% मतलब क्या है, इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर दे, इसको हम इस तरीके से 5 पार्ट में डिवाइड कर दे, 5 equal parts में, तो हर पार्ट जो है इसको हम डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला कलर, देन ये वाला कलर, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये बताइए आप इसमें से कोई भी कलर उठा ले, सेड दिस, ये भी आपका 1/5 है, ये भी आपका 1/5 है, ये भी आपका 1/5 है, ये भी 1/5 है और ये भी 1/5 है, तो ये सब क्या है, सब 1/5 है, क्योंकि सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 5 equal parts में मैं डिवाइड किया है, तो ये सब 1/5 मतलब 20% है। 20% मतलब किसका 20% है, जो पूरे वैल्यू का 20% है, पूरा वैल्यू जो भी होगा उसका 20% है, मतलब कि पूरे वैल्यू का 20% बोलने का मतलब है पूरे वैल्यू का पांचवा हिस्सा है, पूरे वैल्यू का पांचवा हिस्सा है। 20% बोलने का मतलब होता है जो पूरा वैल्यू होगा, पूरा वैल्यू अगर 500 होगा तो 500 का पांचवा हिस्सा क्या होगा, 100। पूरा वैल्यू अगर 1000 होगा तो उसका पांचवा हिस्सा क्या होगा, उसको 5 equal parts में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 200। तो इसी तरीके से 1/5 का मतलब होता है 20%। अब मैंने आपसे पूछा था 3/5 क्या होता है, तो 3 बार 1/5 को ऐड करेंगे तो 3/5 होगा, तो 3 बार 20% को ऐड करेंगे तो 60% होगा, तो 3/5 का मतलब होता है 60%। 1/5 का 3 times है तो 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया, 3/5। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए बताइए 40% क्या होता है, तो आप बोलेंगे इसे 20% का डबल, तो 1/5 का डबल क्या होगा, 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया, 2/5।
अब कभी क्वेश्चन अगर आया 2/5 ऑफ 8/48, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये 5 से डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, ये सब बहुत टफ है। अगर आपको पता है कि 2/5 तो आपने पढ़ा था 40% है, तो 167 अब आपको दिक्कत क्या है? आप सीधा बताइएगा, सर ये तो 8/48 का 40% 69 पूछ रहा है, तो 8/48 का 40% क्या होगा? 10% क्या होगा? तो 10% सर हम निकालते थे यहाँ पे एक जीरो डाल के, तो 84.8 मेरा 10% होगा। तो 40% क्या होगा? 84.8 × 4, 10% का वैल्यू 84.8 है, तो 40% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 84.8 × 4। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए ना, 8 4 जा 32, 2 3 कैरी, 4 4 जा 16 17 18 19 1 कैरी, 8 4 जा 32 33, और 1 डिजिट का डेसिमल 339.2 आंसर। तो ये आप तब कर सकते हैं जल्दी से जब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये 40% है। यही चीज मैं यहाँ पे आपको इसी के लिए एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। 40% मतलब 2/5, 60% मतलब 3/5। अगर मैं आपसे पूछूँ 80%, 80% मतलब 4/5 4/5, ये इसका 4 times है 4/5, चैट कॉलम में बताइए आंसर करिए। अगर मैं आपसे पूछूँ 160%, 160% का मतलब 160% का मतलब क्या होगा? वंडरफुल, 8/5, 8/5, वेल डन। तो चलिए, 1/5 का मतलब 20%, 2/5 का मतलब 40%, 3/5 का मतलब 60%, 4/5 का मतलब 80%, और बताइए 5/5 का मतलब क्या होगा? हंड्रेड 100%। 5/5 का मतलब होता है, इसको कैंसिल करिएगा तो क्या आएगा? 1। और अभी तो हमने देखा कि 1 मतलब कंप्लीट, मतलब 100%। तभी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्यों खुद ही वो नंबर होता है। 1 × anything, 1 × 50, ये 1 × 50, ये 50 क्यों होता है? कभी सोचा आपने? क्योंकि 1 का मतलब होता है 100%। 100% उस नंबर का वो नंबर खुद ही होगा ना, पूरा का पूरा वो नंबर ले लिया, तो 100% 50 का मतलब पूरा का पूरा हमने नंबर ले लिया, तो क्या आंसर आया? 50। गॉट इट? इसी तरीके से हमने 1/5, 2/5, 3/5 देखा है। सॉरी, रियलमी अभी आपको मैंने क्लास में अलाउ कर दिया है, बट रियलमी आपका कोई नाम नहीं है मेरे पास लिस्ट में। क्लास आ चुकी है आपका, मिस ना हो जाए इसलिए मैंने आपको कर दिया है। रेडमी आपका भी कोई नाम नहीं है लिस्ट में, रेडमी और रियलमी। तो अगर कल से आप रहेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं अपने ऊपर कितना कुछ करता रहूँ, फिर बाद में सर मुझे बोलेंगे आप क्यों अलाउ कर देते हो। तो प्लीज अगर आप क्लास में हैं, जेन्यून स्टूडेंट है, तो आप अपना नाम चेंज करके आइए। ओके, चलिए, पढ़ना है ना, नाम चेंज करके आइए ना, नाम बताने में क्या दिक्कत है। इसी तरीके से आपने 1/2 देखा था, 1/2 के साथ 1/4, 1/8, 1/16 देखा था ना। अब हम देखते हैं 1/3 का वैल्यू क्या होता है। देखिए, बहुत जगह पे ऐसा लिखा रहता है 1/3 का मतलब होता है 33.33%। आप लोग ऐसा बोलते हैं 33.33%, मतलब किसी कोई भी पूरा का पूरा हमने ये ले लिया, कोई क्वांटिटी ले लिया। इसका 1/3 मतलब इसको 3 equal parts में हमने डिवाइड कर दिया, 3 equal parts में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हर पार्ट ये तीनों पार्ट जो है ये 1/3 है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। अगर आप 1/3 का वैल्यू 33.33% लेते हैं तो गलत क्या होता है ये देखिए।
अब तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 100% आना चाहिए ना, क्योंकि अगर तीनों पार्ट को हम जोड़ेंगे, क्योंकि कंप्लीट वन का वैल्यू तो 100% होता है, तो अगर 1/3, 1/3, 1/3 जोड़िए तो 1/3 + 1/3 + 1/3 अगर आप जोड़िए तो क्या आएगा, 3 अगर हम एलसीएम ले ले तो 1 + 1 + 1 3/3 वैल्यू 1, 1 का मतलब 100% होता है ना, तो 100% आना चाहिए ना। अगर आपने 1/3 का वैल्यू 33.33% किया है, इसको जोड़िए तो 33.33 + 33.33 + 33.33 ये तो आएगा 99.99। तो ये 0.01% कहाँ गायब हो गया, 0.01% कहाँ गायब हो गया, छोटे वैल्यू में तो आपको 0.01% समझ नहीं आएगा, जब हम करोड़ में अरब में बात करेंगे तब तो 0.01% का बहुत मतलब है ना। तो इसीलिए 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 33.33% नहीं होता है, वो 33.33% नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि सर क्या होता है, तो हमने 1/2 के लिए क्या किया था, 100/2 किया था ना, 100/2 सीधा सीधा कैंसिल हो रहा था, तभी हमने बोला 50%। 1/3 के लिए भी हम क्या करेंगे, 100/3 कर देंगे। अब 100/3 सीधा सीधा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो नहीं कैंसिल होगा उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, तो इसको हम लिखते हैं 33 होल 1/3% ऐसे लिखते हैं। और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो वैल्यू 100% आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं 33 1/3% है ना, मतलब ये क्या है, 100/3% है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 100% आएगा, आ गया ना। तो इसलिए 1/3 का जो वैल्यू होता है वो ये होता है 33 1/3%, 33.33% नहीं होता है, ये नहीं होता है। अब 1/3 अगर हम बोले 1/6 तो मतलब क्या है, जो 1/3 है उसको भी हम आधा कर दे रहे हैं। पहले हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे, अब हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, या जो हर इक्वल पार्ट जो हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे उसको भी हम आधा आधा डिवाइड करते चले जाएंगे। जैसे ये है इसको आधा डिवाइड कर दिए यहाँ से, ये है इसको यहाँ से आधा डिवाइड कर दिए, और ये इसको यहाँ से आधा डिवाइड कर दिए, तो हर वैल्यू आपका 1/6 हो गया कि नहीं, ये भी वैल्यू 1/6 हो गया कि नहीं। अब ये फिर बाद में ये बोलेगा कि सर ये 1/3 लिखा हुआ है, ये तो मैंने फिर अलग से चेंज कर दिया, अब ये सारा वैल्यू 1/6 हो जाएगा ना। तो 1/3 से 1/6 कैसे जा रहे हैं, 1/3 को ही हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 1/3 का वैल्यू कितना है, 100/3%, 1/3 का वैल्यू है 100/3%, तो 1/6 का वैल्यू क्या होगा, 1/3 का हाफ, मतलब 1/3 को 2 से डिवाइड किया है तो 100/3 को भी 2 से डिवाइड करिए, तो 100/3 को 2 से डिवाइड करिएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा, 100/3 × 1/2, इट मीन्स 100/6, 100/6% का वैल्यू क्या आएगा, 16 होल 2/3%। आप बोलेंगे सर 16 होल 2/3 कैसे आएगा, 100/6 है ना, 2 से दोनों तरफ कैंसिल कर दे, ये 50 आ गया, ये 3 आ गया, अब 3 से देखिए 16 × 3 = 48 + 2 = 50, तो ये कितना है, 50/3%, तो 1/6 का वैल्यू क्या है, 16 होल 2/3%। चलिए अब एक बार मुझे फटाफट बताइए, 1 का वैल्यू क्या था, चैट कॉलम में सबको बताया, 1 का वैल्यू क्या था, 1 का वैल्यू क्या था, 100% वेल डन। 1/2 का वैल्यू 50%, 1/3 का वैल्यू 25% बोल रहा है, क्योंकि सबको लगा था कि 1/2 के बाद 1/4 पूछेंगे, 33 होल 1/3, 1/4 का वैल्यू 25% प्लीज चैट कॉलम में, 1/5 का वैल्यू 20%, 1/6 का वैल्यू 16 2/3%
1/7 का वैल्यू, 1/7 कोई नहीं बता पाएगा, 1/8 का वैल्यू 14, 2/7 चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ 1/8 का वैल्यू बताइए, वंडरफुल। 1/9 का वैल्यू बताइए, 1/10 का वैल्यू बताइए, 10%। अब 1/11 का वैल्यू बचा हुआ है, ठीक है, 1/12 का वैल्यू बताइए, 1/12 का कोई बताएगा, 8/1/3। चलिए 1/ अब 1/16 का बताइए, 1/8 का आधा होगा 1/16, तो 6.25%। इतना वैल्यू मैंने आपको पढ़ा दिया है एक्सेप्ट 1/7, 1/9, 1/11 एंड 1/12। और अगर आपको इतना वैल्यू याद है तो आगे आने वाला कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो परसेंटेज खुद हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, ट्रेन हो, बोट एंड स्ट्रीम हो, ऐसा कोई भी टॉपिक हो जहाँ पे पार्टनरशिप हो, बिजनेस हो, ऐसा कोई भी टॉपिक हो जहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे, बहुत इजीली। अभी देखते हैं, हमारा बचा हुआ था 1/7। 1/7, 1/7 का मतलब क्या है? अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कंप्लीट 100% था, उसको 7 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 को 7 से डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे 100% को 7 से डिवाइड करेंगे। अब 100/7 डिवाइड करिए तो क्या आता है, 7 1 7 30, 7 4 28, 2 रिमाइंडर, तो क्या आया 14 whole 2/7% आ गया। अब इसी तरीके से क्या बचा था, 1/9, 1/9 और 1/11, ये आपस में बहुत ही प्यारा नंबर होता है। 1/9 के केस में हमेशा 9 नीचे रहता है, 11 यहाँ पे रहता है, और ऐसा 1/11 में क्या हो जाता है, 11 नीचे ना, तो यहाँ पे 11 नीचे होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9, ये होता है। बोलेंगे कैसे, तो डिवाइड करके देख लीजिए ना, 100 से 11 जा 99 में 1 बचेगा ना, तो 11 whole 1/9% होगा, और 11 को डिवाइड करिए 100 से, तो 9 whole 1/11% होगा। yes. ये सारा वैल्यू परसेंटेज के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1/9, 11 whole 1/9%, 1/11, 9 whole 1/11%, ठीक है। 1/12 कैसे आया सर, 1/12 कैसे आया, तो कुछ नहीं करना है, 1/12 का मतलब इधर हम क्या करेंगे, 100% by 12, 100 by 12 मतलब 50/6, मतलब 25/3, इसको डिवाइड कर देते हैं 3 को 25 से, कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में जाएगा, 24, 1 रिमाइंडर, 8 whole 1/3%। इतना आप लोगों को याद रखना है, आप इसी बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता रहेगा। कल को क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बताना हो 2/3, ठीक है, 2/3
तो 2/3 का मतलब क्या है, 1/3 को डबल कर देंगे, तो 33 1/3 का डबल कितना होगा, 33 1/3 का डबल कितना होगा, 66 2/3%, 66 2/3%, कोई भी वैल्यू इससे अगर बन रहा होगा ना, तो हम उस वैल्यू को बना लेंगे, कोई भी वैल्यू। कल को पूछा जाएगा 3/4% की, 3/4 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/4 हमें पता है 25% होता है, तो 3/4 मतलब 3 × 1/4 है, तो 25 × 3 क्या हो जाएगा, 75%, तो 3/4 का वैल्यू क्या हो गया, 75%। कल को आपसे पूछेगा 5/4 का वैल्यू बताइए, 5/4 ऑफ 180, तो इसका मतलब आपको पता है 5/4 का मतलब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 125% ऑफ 180। 125% का मतलब क्या पढ़ा है, 100% प्लस 25%, परसेंटेज ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं ना जोड़ जोड़ के, 100% 180 का तो पूरा 180 होगा ही, और 25% 180 का कितना होगा, 180 का आधा 90, 90 का आधा 45, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 245। तो 5/4 ऑफ 180 का मतलब क्या है, 225। बोलिए, इन सब चीजों में किसी को कोई डाउट है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम कैसे परसेंटेज को निकालते थे, कैसे उसको हम ऐड कर करके निकाल देते थे फटाफट परसेंटेज को, तो परसेंटेज इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करिए कल को क्वेश्चन आ गया 6/80, ठीक है, 6/80 आपसे पूछेगा कि इसको परसेंटेज में डिवाइड, बताइए कि 6 each व्हाट परसेंट ऑफ 80, 6 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, 6 each व्हाट परसेंट ऑफ 80। अभी तक तो हम देख रहे थे ना कि कोई वैल्यू दे रखा था, हम उसका परसेंटेज बताते थे। अगर पूछा जाएगा कि 50 each व्हाट परसेंट ऑफ 100, तो आप क्या करते हैं, अच्छा चलिए एक चीज आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, एक बात बताइए, परसेंटेज का डेफिनेशन क्या पढ़ा था, कि किसी भी चीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए तो वो जो होता है वो आपका हर इक्वल पार्ट आपका 1% होता है, ठीक है ना, 100। तो जब डिनोमिनेटर 100 रहता है, जैसे 37/100 मतलब 37% होता है, 37/100 का मतलब 37% होता है, 43/100 का मतलब 43% होता है, होता है ना। अगर तभी तो अगर हम ऐसे पूछ रहे हैं कि 43 is what percent of 100, 100 का 43 कितना परसेंट है, तो आप तो सीधा सीधा बोल दिए ना कि सर 43% है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गया, 16 is what percent of 80, तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गया, जब हम 100 के टर्म्स में पूछ रहे हैं तब तो आप फटाफट बता दे रहे हैं, क्योंकि जो न्यूमरेटर रहता है वही आपका आंसर हो जाता है, लेकिन जब 100 के टर्म्स में नहीं, हम किसी और टर्म्स में पूछ रहे हैं, तब दिक्कत हो जाता है कि हम इस चीज को कैलकुलेट कैसे करें, तब हमें पता नहीं चलता हम इस चीज को कैलकुलेट कैसे करें कि ये मेरा क्या होगा, कितना होगा आंसर। तो देखिए, अगर ये पूछा ये ना 60 is what percent of 80, तो एक तो तरीका है 16/80 × 100, इसको कैंसिल करिए, 20 4 × 5 × 4 = 60 क्या आ गया, 20%, तो 20% इसका आंसर है। नो, 7.68 रॉन्ग है, सॉरी, 1% नहीं निकाल सकते इसमें, 1% 80 का नहीं, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि 80 का 1% कितना है, ये आपसे पूछ रहा है, सपोज करिए
कि आपको मैंने एक बड़ा सा पिज्जा दिया था खाने को, ठीक है, बट उसमें से हमने क्या किया कि इतना पार्ट निकाल दिया, ठीक है, हमने आपको एक बड़ा सा पिज्जा खाने को दिया, उसमें से हमने आपका इतना पार्ट निकाल दिया, ठीक है। या सपोज करिए, ये इससे आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, सपोज करिए मैंने आपको 80 रुपीज दिया था कि आप 80 रुपीज रखिए, फिर आपका कोई फ्रेंड आया तो मैंने आपसे बोला कि आप 25 रुपीज जो है ना वो दे दीजिए मुझे, ठीक है। पहले आपको मैंने 80 रुपीज दिया था, तो 80 रुपीज मतलब ये कंप्लीट है, 80 मतलब आपके पास 100% पैसा है, 100% पैसा है, ओके, चल, हाँ, वंडरफुल। इन टर्म ऑफ मार्क्स भी आप समझ सकते हैं, चलिए मार्क्स के टर्म में आपको समझाते हैं, अभी इसके बाद मैं वहां मार्क्स भी आपको समझाता हूँ, बट चलिए आपको मार्क्स से डायरेक्ट समझाते हैं। सपोज करिए आप किसी टेस्ट में अपियर हुए, उस टेस्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स था ना, मैक्सिमम मार्क्स वो था 75 मार्क्स का, और इसमें से आपको लेट से 24 मार्क्स मिला। नाउ टेल मी कितना परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, कितना परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किया। तो अगर इसका मैक्सिमम मार्क्स जिस टेस्ट में आप अपीयर हुए उस टेस्ट का अगर मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होता, तब तो आप सीधा सीधा बताते सर 24%, जो बताने में थोड़ा खराब लगता है, 24% मार्क्स किसको आता है, बट ठीक है मैथ से बता देते हैं 24%, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, 24 अच्छा नहीं लग रहा, 48 मार्क्स आपको आया, अब तो अच्छा लग रहा है ना, ओके 48 मार्क्स आपको आया, अगर आउट ऑफ 100 आया रहता तो आप बताते 48% मार्क्स है, सिविल सर्विसेज में 48% मार्क्स टॉपर्स पाते हैं। अब आया तो है 24 मार्क्स, कितना परसेंट मार्क्स आया आपको, या आया है आपको 48 मार्क्स, कितना परसेंट मार्क्स आया आपको, ये आप कैसे बताएंगे कितना परसेंट मार्क्स आया। यही क्वेश्चन है मेरा कि 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75, 48 जो है वो 75 का कितना परसेंट है, 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। तो देखिए आपने क्या किया, 48/75 और इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 25 से 3 टाइम्स में जाएगा, ये 25 से 4 टाइम्स में जाएगा, 3 से 16 टाइम्स में जाएगा, 16 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 64% आपका आंसर हो गया। मैं आपसे यही पूछ रहा था कि ये जो है आउट ऑफ 100 होता है, तब तो आप फटाफट बता देते हैं 20% है, 30% है, 40% है, 50% है, 60% है, लेकिन जब आउट ऑफ 100 नहीं होता है तब हम उस चीजों को कैसे बताएं, ठीक है। तो उस चीजों को कैसे बताने के लिए एक तो तरीका ये है, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 48/75 × 100। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ निकालने का, जिसको समझ आ गया वो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए ये तरीका है, ठीक है। ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, अगर नहीं समझ भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस चीज से चलना है। 48/75 क्या करते हैं कि जब डिनोमिनेटर 100 होता है तो ऊपर जो वैल्यू आता है वही तो मेरा परसेंटेज होता है, जैसे 43/100 के केस में क्या होता है, 43% डिनोमिनेटर 100 होता तो जो ऊपर जो वैल्यू होता है वही मेरा आंसर होता है, 48/75 है क्या होगा आंसर। तो हम कैसे निकालते हैं, हम नीचे डिनोमिनेटर को 100 बनाते हैं, हम कैसे बनाएंगे, हर केस में पॉसिबल नहीं होता बनाना, लेकिन एग्जाम में बहुत ऐसा चीज पूछा जाता है जहाँ पे आप डिनोमिनेटर को 100 बहुत इजीली बना सकते हैं, 75 में क्या करेंगे कि 100 आ जाए, तो 75 का 1/3 क्या होता है 25, तो इसके 1/3 को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 75 के 1/3 को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं,
100 बनाने के लिए, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का 1/3 हम ऐड करेंगे, तो 48 का 1/3 क्या होगा, 48 का 1/3 क्या होगा, 16. तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 64%. ये एक तरीका है, मतलब थोड़ा स्मार्ट वे बोल सकते हैं इस चीज को निकालने का. चलिए अब आपसे पूछते हैं 12/80 बताइए. तो देखिए एक तो तरीका है सीधा सीधा, आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, 4 टाइम्स में 5 टाइम्स में, 4 3 12, 5 3 15%. दूसरा जो अभी मैंने सिखाया है इससे भी कोई निकाल सकता है क्या, क्या करना है 80 में, क्या कर रहे हैं, एटी में हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो 100 बन रहा है. सर प्लस 20 ऊपर करेंगे, प्लस 3, 1/4. 1/4 एटी में इसका 1/4 हम ऐड कर रहे हैं, तो 80 में 1/4 ऐड किए, तो यहाँ भी 1/4 ऐड किए, 1/4 क्या होगा 3, तो 12 + 3 ये 15 और ये 100, तो आउट ऑफ 100 ये 15 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 15%. कितने लोगों को ये समझ आया तो ठीक है, नहीं तो आपको इसी तरीके से निकालना है. सॉरी ओके फाइन. चलिए अब हम लोग फटाफट कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं, उसके बाद और मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि बहुत स्मार्ट वे क्या होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. फटाफट आंसर करिए इसका क्या होगा आंसर. देखिए अब बहुत लोग क्या कर रहे होंगे, ऐसे करेंगे 25/100 × 480 − 50/100 × 110, इसको 0 हटा रहेंगे, यहाँ से कैंसिल कर रहे होंगे. जितना टाइम आपका इसमें जाएगा ना, इस इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पे नोट करना, फिर ये वैल्यू निकालना, क्वेश्चन दिखेगा ना 25% का मतलब 1/4 होता है, 480 का आधा, 240 का आधा, 120, सीधा लिखिए यहाँ पे 120. 50% मतलब आधा, 110 का आधा 55, 120 में से 55 हटाएंगे तो आंसर 65. ये तरीका होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट, आंसर इज 65. कितने लोगों का क्लियर है? गॉट इट, वंडरफुल. किसी को डाउट है? रिपीट सर. देखिए अभी तक क्या पढ़ते थे, 25% का मतलब होता है ना 1/4, तो 1/4 × 480 माइनस 50% का मतलब होता है हाफ, तो हाफ इंटू 110. 480 को 4 से डिवाइड करने का मतलब 480 का आधा 120 का आधा, 480 का आधा 240 का आधा 120, 110 का आधा 55, 120 में से 55 हटाए 65 आएगा. चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा.
इसमें क्या है 85% ऑफ 350 प्लस व्हाट इज इक्वेलेंट टू 3/8 ऑफ 1248 सर 170.25 ए पार्ट लेट्स सी आंसर करिए चैट बॉक्स देखते हैं देखिए 85% ऑफ 350 वाला केस है यहाँ पे तो आप लोग एक ये कर रहे हैं बट अगर आपने ऐसे भी किया 85 × 35 को अगर आपको मल्टीप्लाई करने आता है तो ठीक है वरना क्या है 85% का मतलब क्या है 100% माइनस 15% 100% क्या है 350 और 15% क्या है 10% 35 और 35 का आधा 17.5 तो ये क्या है 52.5 प्लस x इज इक्वल टू 3/8 इनटू 1248 8 से इसको कैंसिल करिए 1 टाइम्स में कैंसिल करें 44 5 टाइम्स में कैंसिल करें 48 6 टाइम्स में कैंसिल करें प्लीज बीच में नहीं 468 अब ये आया आपका 350 माइनस 52.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 468 अब इसे आपको सॉल्व करना है तो देखिए इसको कैसे इजी बनाते हैं सॉल्व करना यहाँ पे 350 रुपया है यहाँ पे 52 रुपया 50 पैसा है तो 52 रुपया 50 पैसा अगर इसमें से हम 50 रुपया हटा देते हैं तो ये क्या बचेगा 300 माइनस ऐसे लिख सकते हैं साढ़े 300 में से हम 50 रुपये किसको दे दिए 50 रुपये देना था ना हमें 52.5 देना था सपोज करिए आपके पास 100 रुपया है आपको किसी को 42 रुपीज देना है ठीक है आपको किसी को 42 देना है तो आप पहले उसको 40 दे दीजिए तो इसका मतलब है कि आपके पास 60 रुपया बचा और इधर 2 रुपया बचा तो हमने यहाँ पे यही किया है कि 350 माइनस 52.5 इसमें क्या किया है पहले हमने माइनस कर दिया 50 यहाँ से 50 यहाँ से हटा दिया तो 300 माइनस 2.5 अब ये देखिए तो वैल्यू फटाफट आ गया ये वैल्यू इधर जाएगा तो 468 माइनस 300 प्लस 2.5 468 में से 300 हटाएंगे तो क्या आएगा 168 168 में 2.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 170.5 आप लोग सब बता रहे थे 170.25 तो ऑप्शन ए रॉन्ग है किसी ने ई नहीं बताया था नन ऑफ दीज किसी ने नहीं बताया था और ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक होता है अरे फिर से बोलना फिर से समझा रहा हूँ चलिए देखिए देखने में लग रहा था ना छोटा सा क्वेश्चन है बट किसी भी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर नहीं आया था एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन रहता है 85% ऑफ 350 हमें निकालना है मतलब चेक हम लोग इसको धीरे धीरे निकालते हैं 100% माइनस 15% ऑफ 350 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/8 इंटू 1248 तो पहले इसको सॉल्व कर लें 8 से 156 टाइम्स में
और 156 इंटू थ्री क्या होगा 468, तो ये वैल्यू तो हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा 350 का 100% मतलब पूरा का पूरा वैल्यू वो खुद 350, इसमें से 15% माइनस करना है तो 350 का 15% क्या होगा 350 का 10% क्या होगा 35, 5% क्या होगा 17.5, क्या आ गया 52.5 प्लस एक्स 468। अब ये सिंपल आपका प्लस माइनस का क्वेश्चन हो गया है, एक्स का वैल्यू 468 माइनस 350 प्लस 52.5, 468 में से 350 माइनस करिए क्या बचेगा 118 प्लस इसमें 52.5 ऐड करिए तो क्या बचेगा 170.5। ये वाला किसको किसको समझ आया? ये वाला पार्ट सबका क्लियर है? सर इसमें नन दीज आ रहे हैं ना सर? तो मैंने बोला ही था ये आएगा आंसर सर। यस सर, यस सर, मुझे निकला था 170.5, मैंने मतलब ये गलती से हो गया सर। नहीं तो 170.5 नन आएगा ना, तो ऑप्शन ई आएगा ना। आपने यहाँ पे सारे स्टूडेंट ये बताया ई, किसी ने नहीं बताया था। यस सर, यस सर। फाइन, चलिए अब इसका आंसर करिए। तो देखिए कितना इजी है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 932 प्लस 30 इज इक्वल टू 309.6। तो पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, x परसेंट ऑफ 932, ये 30 को इधर चले ले जाएंगे तो 279.6, ठीक है। 932 का कितना परसेंट 279.6 होगा? अब आपसे मैं अगर पूछूं कि 80 का कितना परसेंट 32 होगा, मतलब अगर आपको एग्जाम में टोटल 80 मार्क्स का पेपर था, आपको 32 मार्क्स आया है, आपको कितना परसेंट मार्क्स आया है? ऐसा चीज है, एग्जाम 932 मार्क्स का था, आपको 279.6 मार्क्स आया है,
आपको कितना परसेंट मार्क्स आया है। अब देखिए इसको निकालने के लिए आपने क्या जो कन्वेंशनल मेथड है आपका, आप कैसे करेंगे 279.6 डिवाइडेड बाय 932 इनटू 100 सॉल्व करते रहेंगे, कैंसिल करते रहेंगे, इतना बड़ा सा वैल्यू देख के पता ही नहीं, मन ही नहीं करता सॉल्व करने का। अगर आपने थोड़ा सा तरीके से क्वेश्चन को बनाया है या अभी तक सीखा है तो सीधा आप बोलेंगे सर 932 का कितना परसेंट पूछ रहा है ना, 93.2 932 मेरा 100% होता है, 93.2 मेरा 10% होगा सर, 93.2 और ये 279.6 है, अगर ये 90 रहता है ये 270 रहता है, ये तीन गुना नहीं है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 279.6 ये सर ये तो तीन गुना ही है, तो मतलब ये तो 30% हो गया। तो ये सब तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। बोलिए कितने लोगों को डाउट है, किसी को डाउट है? अरे एक बार फिर से रिपीट करो सर। चलिए ठीक है फिर से बताते हैं नया क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। What percent of 932, ये वैल्यू इधर ले जाएंगे तो क्या 279.6 आएगा। अब सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि 932 मार्क्स का पेपर हुआ, आपको 279.6 मार्क्स आया, कितना परसेंट मार्क्स आपको आया, ठीक है। तो 932 का पेपर था मतलब 932 मेरा 100% है, जो भी हमें मार्क्स आया होगा इसी के बेसिस पे आया होगा, तो 100% तो मेरा 932 है, ठीक है। तो 932 मेरा 100% है, तो 10% क्या होगा, 93.2 होगा। और अगर 1% निकालना होता तो क्या बोलते, 9.32 होगा। पिछले क्लास में यही तो हमने सीखा था कि अगर 468 मेरा 100% है तो 46.8 मेरा 10% होता है और 4.68 मेरा 1% होता है, सीखा था लास्ट क्लास में हमने। इसी तरीके से 932 मेरा 100% है तो 93.2 मेरा 10% होगा, 9.32 मेरा 1% होगा। अब आपको निकालना है 279.6, अगर आपसे पूछा जाता 93.2 तो आप सीधा सीधा बोल देते 10%, ठीक है। लेकिन 279.6 93.2 आपका 10% है और यहाँ पे ऑप्शन में 30 25 35 40 ऐसा कुछ दे रखा है, मतलब सब सीधा सीधा ऑप्शन। 93 का टेबल पढ़ने आता है, नहीं आता है। 90 का टेबल पढ़ने आता है, आता है। 90 का डबल 180, 90 का ट्रिपल 270, तो यहाँ पे देखिए 270 के आसपास का नंबर है, यहाँ भी तो कंप्लीट 90 नहीं है ना, 93.2 है। तो चलिए एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और डेसिमल कितना परसेंट है, 10% का 3 टाइम्स, तो 10% का 3 टाइम्स क्या होता है, 30%, आंसर 30%। अभी तो समझने में आपको थोड़ा समय लग रहा है, समझने के बाद क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जैसे ही आपने देखा सर मैंने दूसरे तरीके से किया है सर। कैसे किया है? और सर जो x परसेंट ऑफ 932 प्लस 30 मतलब मैंने 309.6 से जो 30 है वो मैंने माइनस किया है सर। ठीक है तो ये आया आपका 279.6। स्कूल का पेपर तो होना नहीं है कंपटीशन में, यहाँ पे तो छोटा छोटा डेटा दे रखा है, एक लाइन का क्वेश्चन दे रखा है, जब इसी में चार पांच ऐसा और प्लस माइनस में आ जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये वाला मेथड अप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इससे भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ साथ आप चीजों को सीखते रहिए कि सर आप कुछ अलग चीज सिखा रहे हैं, कुछ नया और कुछ एक्स्ट्रा चीज सिखा रहे हैं,
चलिए सीखते हैं ये मेथड, तो इजी मेथड है, ठीक है? ओके थैंक यू सर। ओके चलिए हाँ, एलिमिनेशन मेथड भी ठीक है, वंडरफुल, वही एलिमिनेशन मेथड भी बहुत अच्छा होता है। आपने यहाँ पे चेक कर लिया ना, नन ऑफ दीज के पहले आपने देखा 25%, तो 932 का 25%, 932 का आधा का आधा, अरे ये 279.6 नहीं आ रहा है, 40% चेक कर लीजिए ऐसे भी, तो सीधा ऐसे भी आपको दिख जाएगा कि 30% है आंसर है कि नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके चलिए अब हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, और सर आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपने अभी तक कवर किया है, मैंने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं? वो सारा टॉपिक्स अपलोड हो चुका होगा ना, तो डोंट वरी, सारे टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं जो जो अभी तक। आज आपका मैथ्स का कौन सा क्लास है, 10th क्लास है, 9th क्लास है, कौन सा क्लास है? 8th या 9th क्लास होगा मैथ्स का, अभी तक 8 क्लास आज हो चुका है। सॉरी, एलिमिनेशन मेथड फिर से बोलिए। एलिमिनेशन मेथड, देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या है, यहाँ तक आपने निकाल लिया ना 279.6, अब 932 का कितना परसेंट 279.6 है आप चेक करिए ना, 40%, तो आप बोलेंगे कि 40% 932 का, तो 10% क्या है, 93.2, 93.2 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 2 8 नहीं है, तो लास्ट में 6 आना चाहिए, तो यही मेरा आंसर नहीं होगा। 30% तो चेक करके देखिए, 93.2 × 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 3 27, अरे हाँ ये तो आ गया, यही मेरा आंसर, ऐसे चेक कर जी सर, इनमें लिखना था, ठीक ठीक है, ओके जी थैंक यू। अभी फटाफट मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग रीजनिंग क्लास ज्वाइन करें।